एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा। आई एम आशिता और आप मेरे साथ पढ़ते हो इंग्लिश। तो यार, आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है लॉ स्प्रिंग, जिसकी ऑथर है अनीस जंग। तो यार, अनीस ने आपको बताया इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। पहला पार्ट एक बच्चे की स्टोरी से डील करता है जिसका नाम है साहिब, दूसरा पार्ट दूसरे बच्चे की स्टोरी से डील करता है जिसका नाम है मुकेश। तो यार, पहले मैं आपको दोनों पार्ट्स की एक ब्रीफ समरी दे दूंगी, उसके बाद हम टेक्स्ट बुक को पढ़ के उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे विद इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप ये वीडियो एक बारी मेरे साथ देखो, उस लिंक को रेफर करो और चैप्टर एक बारी खुद पढ़ लो। खुद नहीं भी पढ़ना, वीडियो 2x स्पीड पे वापस से देख लो जल्दी से, एंड आई थिंक यू आर गुड टू गो। और ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर्स ऑफ द एग्जामिनर। प्लीज़ इसको ध्यान से करना और छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो यार, स्टार्ट करते हैं। तो यार, पहला पार्ट है जिसका नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। ये स्टोरी एक छोटे बच्चे की जिसका नाम है साहिब। साहिब रहता था पहले ढाका में। ढाका है बांग्लादेशी कैपिटल। वहाँ पे तूफान आया जिसकी वजह से उसकी फैमिली को इंडिया शिफ्ट करना पड़ा। यहाँ वो एक छोटे से गांव में रहते हैं जिसका नाम है सीमापुरी, जो दिल्ली के बॉर्डर पे है। सीमापुरी में कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। वहाँ घर टिन के हैं, छत प्रॉपर और परमानेंट नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है, ड्रेनेज बहुत ख़राब है, गलियाँ बहुत ज़्यादा गंदी हैं। तो मतलब बहुत बुरा हाल है रहने का सीमापुरी में। यहाँ पे वो लोग करते हैं रैग पिकिंग। रैग पिकिंग मतलब वो कूड़ा वगैरह इकट्ठा करते हैं और उसको बेच देते हैं, जिससे उनको दो चार पैसे मिलते हैं। अब अनीस मिलती है साहिब से और वो देखती है कि एक छोटा बच्चा कूड़ा इकट्ठा कर रहा है, तो वो उसको पूछती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो साहिब बोलता है कि उसके घर के आसपास कोई स्कूल नहीं है। अनीस उससे पूछती हैं कि अगर वो स्कूल बनाएंगी तो साहिब आएंगे। तो साहिब कहता है वो ज़रूर आना पसंद करेंगे। इससे यार हमें ये तो पता चल गया कि साहिब के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अगर होती तो वो पढ़ना ज़रूर पसंद करता। ये मजाक को अनीस तो भूल जाती हैं, पर साहिब नहीं भूलते। कुछ दिन बाद वो वापस आके पूछते हैं अनीस से कि क्या उनका स्कूल तैयार है। इस बात पे अनीस को बहुत बुरा लगता है कि उन्होंने ऐसा मजाक क्यों करा साहिब के साथ, जिसको वो कभी पूरा करना ही नहीं चाहती थी। तो यार, फिर आगे जाके हम देखते हैं कि अनीस बहुत टाइम तक साहिब और उसके दोस्तों को देखते हैं। वो बिना चप्पल पहने, धूप हो सर्दी हो कैसे भी हो, वो गलियों में ऐसे घूमते रहते हैं। जब वो उनसे पूछती है कि तुम्हारे पास चप्पल क्यों नहीं है, तो सारे बच्चे कुछ अलग अलग जवाब देते हैं। इससे अनीस को अपने टाइम की कुछ बातें याद आती हैं। फिर आगे जाके हम देखते हैं कि सीमापुरी में जब कंडीशंस इतनी ख़राब हैं, तो साहिब और उसकी फैमिलीज़ वहाँ क्यों रहती हैं। और सिर्फ साहिब और उसकी फैमिलीज़ नहीं, 10,000 फैमिलीज़ और रहती हैं वहाँ पे। तो हमें पता चलता है ये सारे रेफ्यूजीज़ हैं जो सिर्फ वहाँ पे इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उनको राशन कार्ड मिला है। तो यार, अब ये राशन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, क्योंकि इससे वो दो काम कर पाते हैं। पहला, वो वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं, और दूसरा, वो अपने लिए अनाज खरीद पाते हैं। उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना पेट भरना, और वो राशन कार्ड उनको वो हेल्प कर देता है। आगे जाके हम देखते हैं कि इस रैग पिकिंग जो उनका प्रोफेशन है, वो बहुत अलग अलग मायने रखता है बड़ों के लिए और बच्चों के लिए। बच्चों को इसमें बहुत मज़े आते हैं, कभी कभार उनको कुछ चीज़ ऐसी मिल जाती है जो कि बहुत वैल्यूएबल होती है, तो फॉर देम इट इज़ वंडर दैट इज़ रैप्ड, और बड़ों के लिए इट इज़ जस्ट अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इनको हम अभी आगे चल के मार्क करेंगे। फिर हम आगे जाके देखते हैं कि बहुत टाइम बाद जब अनीस सर्दियों में साहिब से मिलती हैं, तो वो देखती हैं कि साहिब बहुत बदल गया है। अब उसने वाइट कलर के टेनिस शूज़ पहने हैं। ये शूज़ उसके नहीं हैं, पर साहिब इन शूज़ को पहनकर बहुत खुश है। ये किसी उस बच्चे के हैं जिसने इन्हें पहनने से मना कर दिया था, क्योंकि अब उसमें छेद है, बट साहिब के लिए ये बहुत बड़ी बात है। साहिब अब एक टी स्टॉल पर काम करता है, जहाँ उसको महीने के 800 रुपये मिलते हैं और दिन के सारे मील्स। साहिब एक स्टील कैनिस्टर को लेकर पूरे दिन काम करता है। अनीस जब साहिब को स्टील कैनिस्टर के साथ देखती हैं, तो वो रियलाइज़ करती हैं कि साहिब अब उस कैनिस्टर के बोझ के नीचे दब चुका है। ये कैनिस्टर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिपिक्ट करता है। तो साहिब का इनोसेंस ख़त्म हो चुका है एंड साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो यार, अब हम इसमें इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मार्क कर लेते हैं। साहिब इज़ फ्रॉम ढाका, गोल्ड इन द बिग सिटी। गोल्ड इन द बिग सिटी के दो मतलब हैं यहाँ पे, खाने के लिए, खाने लायक खाना, और रहने के लिए एक छत। नो स्कूल इन द नेबरहुड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट। तो
तो यार ये हो गए आपके रीजंस ऑफ नॉट वेयरिंग चप्पल्स, ये हो गई वो स्टोरी जो अनीस को याद आती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक. दीज आर द लिविंग कंडीशंस ऑफ सीमापुरी दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको हमने मार्क कर लिया है. फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है. ये हो गए डिफरेंट मीनिंग ऑफ गार्बेज इन द लाइव्स ऑफ डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के लिए क्या मायने रखता है, ये वो दो पॉइंट्स हैं. अब हम इस पार्ट पे आ जाते हैं जहाँ पे साहिब को शूज़ मिलते हैं. ये किसी और के शूज़ हैं पर साहिब तब भी खुश है. ये साहिब की नई जॉब जहाँ उसे 800 रुपीज़ इन ऑल मील्स मिलते हैं. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, साहिब इज़ नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, इससे बहुत बारी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं. ये फ्रेज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो यार अब हम चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. इसमें हम एक ऐसे बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मुकेश. मुकेश फिरोज़ाबाद में रहता है और फिरोज़ाबाद बहुत बड़ी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पे बैंगल्स बनाई जाती हैं और बहुत सालों से ये काम वहाँ चलता आ रहा है. वहाँ पे छोटे बच्चों से फैक्ट्रीज़ में इलीगल तरीके से काम कराया जाता है पर वहाँ के लोगों को इतनी समझ नहीं है कि ये सारा काम इलीगल है. वहाँ पे रहने की कंडीशंस बहुत ख़राब है, वहाँ पे ना साफ़ पानी है, ना साफ़ खाना है, ना रहने के लिए एक परमानेंट छत है. लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, पैसे बहुत कम हैं, लोग और कोई नई स्किल नहीं जानते जिससे वो अपनी लाइफ बेटर कर सके, तो वो बैंगल्स ही बनाते रहते हैं. मुकेश की फैमिली में और लोग हैं, उसका भाई, उसकी भाभी, उसकी दादी, बट सब एक इतनी ज़्यादा परेशान लाइफ से डील कर रहे हैं कि अब वो उम्मीद छोड़ चुके हैं कि वो इस लाइफ से बाहर निकल पाएंगे. स्टोरी में हमें एक और बच्ची के बारे में पता चलता है, सविता, वो भी बैंगल्स बनाती है और उसका कंपैरिजन मुकेश की दादी से किया जाता है कि कैसे एक छोटी बच्ची उस टाउन में बैंगल्स बनाते बनाते एक दिन जब खुद उसकी शादी होती है वो बैंगल्स पहनती है तो वो भूल जाती है कि उन बैंगल्स की क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में, कितनी खुशियाँ ला सकती हैं वो किसी की लाइफ में. आगे चल के हमें पता चलता है कि उस टाउन में कोई कोऑपरेटिव्स, कोई ग्रुप्स नहीं बन सकते कि जिससे लोग इकट्ठे आकर अपने बिजनेस को बेटर कर सके या अपने लिए दो पैसे ज़्यादा कमा सके, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि सिस्टम से लड़ते लड़ते लोग थक चुके हैं और अब वो गिव अप कर चुके हैं. पर मुकेश एक ऐसा बच्चा है, वो इस सिस्टम से बाहर निकलना चाहता है, वो कुछ अलग करना चाहता है और इससे हमें पता चलता है कि मुकेश इज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सन Who dares to dream. मुकेश को पता है कि वो एक दिन इतना बड़ा नहीं बन सकता कि वो अपनी लाइफ में एक प्लेन उड़ाए, बट ही नोज दैट ही कैन बी अ कार मैकेनिक. तो यार ये हो गई दोनों पार्ट्स की समरीज, अब हम सेकेंड पार्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं. इसका टाउन फिरोज़ाबाद है जहाँ सारी फैमिलीज बैंगल्स बनाती हैं. अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ हमें वर्किंग कंडीशंस पता चलती हैं. तो ये हो गई वर्किंग कंडीशंस. अब यहाँ आ जाती हैं लिविंग कंडीशंस. ये हो गई आपकी लिविंग कंडीशन. ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रेज. अब यहाँ आ जाती हैं सारी प्रॉब्लम्स विद फॉर्मिंग कोऑपरेटिव्स. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ये पॉइंट्स याद रखो. ये टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स हैं, ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर. मुकेश Dares to dream. तो यार ये हो गए आपके सारे important parts chapter के. हमने सारा chapter discuss कर लिया है, अब आप इस chapter को खुद पढ़ो या फिर ये सिर्फ important points को go through कर लो और questions attempt कर लो एक बारी and you're good to go.